अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। बटवारा बेटियों का अम्मी, आप देख रही हैं इसको कितनी बदतमीज हो गई है ये। अरे काम करने दो मुझे, शाम तक ये सूट वापस करने हैं मुझे। अम्मी मैंने सिर्फ इनको बोला था कि एक मैथ्स का सवाल समझा दे, ये तो हिटलर बाजी बन गई। हिटलर और मैं, इधर आओ बताती हूँ तुम्हें मैं। अम्मी दादा, ये छोड़ो इसको, काम करने दो मुझे। अम्मी ये ना सूट पहन पहन के शीशे में देख रही थी, ऐसे कर रही थी ऐसे कर रही थी, अपने आप को मॉडल समझ रही है। और जो तुम कब से फजूल बोल बोल के मेरा दिमाग खा रही थी वो बस कर दो, छोटी बहन है। अम्मी एक तो मैं सुबह से आपके साथ काम कर रही थी और ये आ गई किताब उठा के मेरा दिमाग खाने। बड़ी बहन है ना, तंग नहीं किया करो उसे। अम्मी मैं तो सूटों की फिटिंग चेक कर रही थी। सारा एक सूट रह गया बेटा, उसकी भी कटिंग कर दो। जी अम्मी कर देती हूँ। और हाँ तुम मैथ का सवाल सब आए तो उससे समझ लेना। लो आ गए सवाल भी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अब बोलो ना इनसे। आप ही अभी थकी हुई हैं, आप इतना फालतू नहीं हैं। अच्छा तो क्या पूरे घर में सिर्फ मैं फारिग हूँ? बस भी करो, तुम लोग हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हो। मैं सबा के लिए खाना गर्म करूँ उठ के जरा। अम्मी आप रहने दें, मैं कर लूंगी। अम्मी देखे आप ही आ गई ना, इसलिए सीधी बन गई है। चुप हो जाया करो कभी तुम। आप इसको ना मुझे डांटती रहती हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हेलो मेरा बेटा। अब्बू अम्मी चीज लाए। हाँ हाँ ये आपकी चीज है, ये रही, ये लीजिए बेटा, ये वाल, चलो 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 ये आपका। थैंक यू अब्बू। चलो अब जाके खाना भी गर्म कर लो बच्चों। चलें? हाँ चलते। क्या जरूरत थी इन सब चीजों की? ऐसा नहीं, बच्चे खुश हो गए मेरे, ये आपके लिए। हेलो। हाँ अमना कैसी हो? बहुत दिनों बाद फोन किया तुमने। पर आपको तो तौफीक नहीं होती ना आपा कि आप ही हाल पूछ लो हमारा। खैरियत तो है? हाँ वैसे एक बात है आपा, खावर भाई भी कभी फोन करके नहीं पूछते कि उनके छोटे भाई जिंदा है या मर गए। क्या हुआ शुजात को? हाँ, क्या बताऊँ आपा, मोटरसाइकिल से गिर गए, बिस्तर पे पड़े। अरे तो वो तो 2 महीने पहले की बात है ना, हम लोग आए तो थे देखने के लिए। हाय आपा, छोटी मोटी बात नहीं है, पैसा पानी की तरह लग रहा है, बिस्तर पे पड़े। वैसे आमना बुरा नहीं मानना, भाई ने 50,000 रुपए उधार लिए थे 1 महीने के लिए, अभी तक नहीं लौटा है। हाय कैसा जमाना आ गया, आए उसे तो चला भी नहीं जा रहा, अब भीख मांग के आपके पैसे लौटाए क्या? हो सके तो 25,000 मिल जाएंगे, अल्लाह कसम वापस कर दूंगी। पहले 50,000 खर्चे में से दिए थे, वो तो अभी तक लौटाए नहीं है तुम लोगों ने। अरे मैं तो कहती हूँ खून सफेद हो गया। अरे कैसा जमाना आ गया कि भाई को भाई की फिक्र नहीं है,
बस कर दो आमना, अब ऐसी बात भी नहीं है। हाँ हाँ रखती हूँ आपा, ऐसे रिश्तों से तो अल्लाह ही बचाए। अरे भैया हो खावर मियाँ, अरे भाई खावर भाई कैसे हैं? अच्छा वो आप मिल गए यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ चाय के होटल पे, आ जाओ बैठ जाओ, ऐसी चाय पिलाऊंगा मलाई वाली कसम से। आओ जफर भाई रहने दीजिए प्लीज, मुझे दोबारा ऑफिस जाना है। ये बताइए आप बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं? ओ, ओ, बात ये है मियाँ कि वो अब बात ही कुछ ऐसी है, कसम से खावर मियाँ राय नहीं गया, कर दिया फोन। अब फिर तुम तो अपने हो ना, इसलिए और भी कर दिया फोन यार। मतलब की बात करे खावर मियाँ ऐसे नहीं, जरा लहजे में थोड़ी सी मिठास तो पैदा कर लो, मोहब्बत से नजर भर के देख लो हमारी तरफ। कसम से कह रहा हूँ मैं, ये जफर कलेजा निकाल के रख देगा हथेली पे। बताइए क्या बात है? एक बात है फिर भी कि वो मैं अंदाजा कह रहा हूँ अपना, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अंदाजा है मेरा कि तुम्हारा जो मकान है 1 करोड़ का तो होगा। क्यों? अच्छा अब जो बात बताऊंगा मैं, तो जरा दिल पे हाथ रख लेना वरना आंखें फट के बाहर आ जाएंगी। क्यों पहेलियां बुझवा रहे हैं आप? ये जो सामने कॉलोनी है ना, इसमें एक मकान का सौदा हो रहा है। फिर 50 लाख में। मैं अभी भी समझा नहीं हूं आपकी बात। अभी तो मैंने बात ही पूरी नहीं की है। देखो मेरा एक दोस्त है, पक्का दोस्त है, बिल्कुल ऐसा है जैसे कि साइड में रखा हुआ गोदाम। आए हाय 50 लाख रुपए लगाओ और 1 लाख महीना मुनाफा कमाते रहो, गारंटी मेरी। असल बात क्या है जफर भाई, मेरा वक्त जाया मत कीजिए। मैं ये कह रहा था कि अपने मकान का 1 करोड़ में सौदा करो, 50 लाख में वो मकान का सौदा कर लो और 50 लाख लगा दो बिजनेस में, गारंटी मेरी। शाबाश जफर भाई शाबाश, अपनी बेटियों के सर से छत छीन लो। देखो खावर मियाँ, हाथ आया मौका छोड़ो नहीं। जफर भाई अगर रिश्ते का ख्याल ना होता तो सख्त जवाब देने का मुझे पूरा हक था। बात यह है खावर, आइंदा आपकी इस मौजू पे कॉल मुझे ना आए। खावर तो बहुत तारीफें करते हैं आपकी, बल्कि वो तो बच्चियों से भी कह रहे थे कि मेरी बहन इतनी समझदार और दानिश्वर खातून है, बहुत तारीफें करते हैं आपकी। अरे भाई मैं आपको क्या बताऊं, क्या जमाना इनकी तारीफ करता, अगर इनके हाथ का पक्का हुआ कोई खा ले कसम से उंगलियां चाटता रह जाए। बस मेरी तारीफें ही करते रहेंगे या जिस काम के लिए आए हैं वो भी कहेंगे? अरे सरकार अगर आप हुक्म करें तो हम अपने मुंह पर टेप लगा लें। बात यह है सुल्ताना कि जुबैर के भांजे ने अभी पढ़ाई खत्म की है, अपना बिजनेस शुरू किया है उसने। खैर से ये भी तो बताओ कि लाखों कमा रहा है। हम ये चाह रहे थे कि हारिस के लिए सबा का रिश्ता कैसा रहेगा। गारंटी दे रहा हूं, लिखकर देने को तैयार हूं कि खावर जो है ना आंख बंद करके हां कर देगा। जी जी भाई साहब अच्छी बात है, लेकिन आखिरी फैसला तो खावर ही करेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम अप्पो। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम पप्पा। वालेकुम अस्सलाम। चश्मे बद्दूर, वाह वाह क्या नैंड नक्श हैं, सुभान अल्लाह। यानी हारिस जो है वो तो दीवाना हो जाएगा इन नैंड नक्श पर, हमेशा हमें दुआ देता रहेगा।
अफलान को। अरे जनाब साले साहब, आप ही का तो इंतजार था सरकार। कैसे हो खावर? देखो मुझे याद आई ना तो मैं ही चली आई। भाई हमारे साले साहब तो दीदार कराते नहीं, हमने सोचा खुद ही किसी बहाने से चले आए। आप लोग आराम से बैठिए, मैं कपड़े बदल के आता हूं। लगता है कि साले साहब कुछ नाराज हैं हमसे। नहीं नहीं भाई साहब, असल में अभी थके हुए आए ना तो मुंह हाथ धोकर आते ना। आप बैठे। सुल्ताना अब हम चलते हैं। समीना जी बैठे ना, मैं चाय रखने का। अरे नहीं ना, फिर आ जाएंगे। चलो सुबह चलो, मेरी बात तो। अरे चले चले, आ जाएंगे बाद में। अरे रहने दो बस। अरे हाँ हाँ ठीक है। अच्छा नहीं क्या आपने आज? समीना आपा बहन है आपकी, इतने दिनों के बाद आई थी, कम से कम अच्छे से मिल तो लेते आप उनसे। समीना मेरी बहन है, अजीज है मुझे, मगर सुबह मुझे एक आंख नहीं भाता। बहनों ही है आपका, और इस तरह का रवैया रिश्तों में दरार डाल देता है। उनको पता भी है इसके बारे में? रिश्तेदारी है इसलिए कुछ बोल नहीं सकता, वरना असल बात बताऊं, इसका दफ्तर मेरे दफ्तर के साथ था। इसकी करप्शन के किस्से पूरे जमाने में मशहूर है, हर रोज एक नई दास्तान सुन लो। रिश्तेदार है, उन्हें घर में भी घुसने ना दूंगा। नहीं करें इतना गुस्सा, वो तो बेचारे अपने भांजे हारिस का रिश्ता लेकर आए थे सभा के लिए, उस लफंगे के लिए। पता भी है उसके करतूत क्या है? अपना बिजनेस कर रहा है। बड़ा बिजनेस कर रहा है, दो नंबर बिजनेस कर रहा है वो। कॉलेज के जमाने में एक लड़की भगा के ले गया था, अब भी दो नंबर काम कर रहा है वो। मैं अपनी बेटी को ऐसे दो नंबर आदमी के इंसान के हवाले कर दूं? क्यों भड़क रहे हैं आप? हमने कौन सी बच्ची अभी दे दी है उन्हें? ये समीना आप इसे उम्मीद नहीं थी, मेरी नाजों से पली बच्ची के बारे में ऐसा सोचा उन्होंने। अच्छा छोड़े, आप परेशान नहीं हो, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। आज ये जफर मिला था, कहने का अपना घर भेज दीजिए। क्या? हमारा ये घर बिकवाने का ख्वाब देख रहा है, लाखों मुनाफा कमाने के लिए। बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं उस जुआरी को, उस वक्त तो मैं लिहाज कर गया, अब मिला तो वो हाल करूंगा कि याद करेगा। समी आप ही से बात करूंगी मैं, हमारे घर पे क्यों नजर है उनकी? किसी की नीयत ठीक है यहाँ पे? शुजात ने 50,000 रुपए लिए थे, वापस किए आज तक? सभा के लैपटॉप के लिए रखे थे। ओ, आज फिर आमना की कॉल आई थी, 25,000 रुपए मांग रही थी। तुमने देने की हमें तो नहीं भरी? पहले के 50,000 उन्होंने वापस किए, जो मैं 25,000 देने की हामी भरूं ने? और हाँ समीना आप ही को बोल देना, आइंदा मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के ना दे, अच्छा नहीं होगा। मम्मी। हाँ। मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। अम्मी अब्बू आजकल इतना गुस्सा क्यों करने लग गए? पता नहीं, समझाती हूँ बेटे उन्हें, बस वो तुम तीनों की फिक्र के अंदर परेशान हो जाते हैं। उन्हें हर वक्त तुम तीनों की फिक्र लगी रहती है कि अल्लाह ना करे तुम तीनों को कुछ ना हो। किसी पे भी एतबार नहीं रहा उन्हें। अम्मी आप उन्हें समझाएं ना, कुछ नहीं होगा हमें, आप भी परेशान मत हो और अब्बा को भी समझाया करें।
कैसी हो सुल्ताना? दिन में फोन किया था, उठाया नहीं आपने। क्या बताऊं, जफर ने फसाद डाला हुआ था कल से। कल खावर से भी मिले थे, मकान बिकवाने की बात कर रहे हैं। मैंने तो इसलिए फोन किया था कि समझाओ जफर भाई को, खावर से ऐसी बातें नहीं किया करें, वो तबीयत खराब रहती है उनकी। सुल्ताना तुम हो तो अपने दिल का दर्द बांट लेती हो, वरना किससे जाकर कहूँ। अपना ख्याल रखिएगा, ज्यादा मुंह नहीं लगिएगा जफर भाई के। ठीक है, तो भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ सुल्ताना? कोई बात नहीं है। अच्छा, मतलब आप मुझसे भी छुपाओगी तुम? कुछ नहीं हुआ, मैं सोचे आप इतना। क्या ना सोचूं, दिल करता है कि शहर ही छोड़ दूं, कि बच्चियों के साथ कहीं और जाके सुकून से रहूं। ये रोज रोज के झगड़े मसले कब तक बर्दाश्त करेंगे हम लोग? नौकरी है आपकी यहाँ पर, कहाँ जाएंगे हम? कहीं भी जहां प्यार मोहब्बत सुकून से रह सके। खावर, आपकी ये बेसुकूनी कैसे खत्म होगी? पहले तो आप नहीं थे ऐसे, अब क्यों इतने खौफजदा हो गए? वो अब्बू आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो, कोई मसला तो नहीं? नहीं अब्बू, कोई मसले वाली बात नहीं है। वो अब्बू, दरअसल हम आपसे ये बोलना चाह रहे थे कि हम सारी फैमिली लाहौर चले घूमने के लिए। और मरी भी? हाँ अब्बू, हम कभी भी नहीं गए हैं। एंजॉय करेंगे वहां पर। क्यों नहीं, चलते ना, चलते हैं ना। थैंक यू अब्बू। और सुनो, कम से कम दो हफ्ते के लिए जाएंगे। दो हफ्ते के लिए जाएंगे और ट्रेन पे जाएंगे। ट्रेन पे? ठीक है, ट्रेन पे। हाँ ट्रेन पे चलते। वाओ, कहाँ पे जाएंगे बताओ? ट्रेन पे ही जाएंगे, जब आपने ट्रेन डिसाइड की भी तो। आप तो और बच्चों को इतनी दूर दूर के सब्ज बाग दिखाएंगे, बच्ची अब कितनी एक्साइटेड हो रही है। और अब इस बार हम जरूर जाएंगे। एक तो आपने हाँ बोल दी चाहिए थी, हम जा रहे हैं। अब आप लेकर कौन जाएगा लोगों को? हम जाएंगे लेकर। अल्लाह, आजकल मरी में बर्फ भी पड़ रही है ना बेटा, बर्फ उठा के हम खुद ही गोले गंडे बना खाएंगे। आपा मेरी, आपने चप्पल रख ली थी ब्लैक वाली? मैंने रखी। और तुम याद रखना ही सारी चीजें, कहीं एंड टाइम पे भूल जाए हम सारी चीजें। एक चप्पल रखने को कहा था आपसे मैंने। अरे तो रख लेंगे, अभी जाते थे यहीं पड़ी नहीं है, अभी ये सारी चप्पलें मैं लास्ट में रखूंगी। तुम वो मेरा वो मरून वाला सूट लेके आओ। अच्छा फिर ये तय करें। अरे भैया सब नहीं करूँ। तुम्हारी सारी चीजें हो गई या बाद में बोलोगे या भूल गई? आप देख लेना, इसका भी देख लो। हम देख लें, सब हम देख लें भाई। ये बस जाके वहां पे, सॉरी सॉरी, ये कलर अच्छा है ना? बहुत प्यारा लग रहा है, वहां पे तो और भी अच्छा लगेगा। आपी कितना मजा आएगा ना, हम बहुत घूमेंगे, पिक्चर्स भी लेंगे बहुत सारी। हाँ मोबाइल ना पहले चार्ज कर लिया करेंगे। हाँ। ताकि वहां पे अच्छी से पिक्चर्स और वीडियोस बना सकें। तुम भी कुछ देख लो, चलते चलते ऐसे मजाक मत करो यार, सफर पे जा रहे हैं, क्या हो गया? हाँ अब निकल रहा हूं। अरे निकल रहा हूं, बस करते हैं बात, होती है। ओके आ जाओ भाई। किरे आ गए, मुझे पता था मेरी बेटी सबसे पहले आएगी, बहुत प्यारे बच्चे।
आ जाओ बेटा, जल्दी आओ ना, क्या हो गया? कम ऑन यार, आपकी मम्मा आ गई। जी जी आ गई। सामान सारा रख लिया? हाँ रख लिए जी अब्बू, सारी चीजें रख ली। ओके बेटा, वो टिकट्स रख लिए? जी अब्बू रख लिए टिकटें, बस गाड़ी करवाऊंगी। अगर गाड़ी आने में थोड़ी सी देर है तो मैं सामने आपा से मिलकर आ जाऊं। अम्मी कौन सा, हम हमेशा के लिए जा रहे हैं, आके मिलिएगा। सारा अब्बू की दवाइयां रख ली थी। कौन सी दवाएं? ब्लड प्रेशर की दवाइयां। भूल गई, ब्लड प्रेशर की दवाइयां, वो तो रात ही को खत्म हुई है। अरे भाई वहीं से ले लेंगे, क्या हो गया है? नहीं नहीं, वहां पर मिले ना मिले, हम यहीं से लेकर चलेंगे दवाई। हाँ अबू टाइम है। अच्छा चलो मैं लेके आता हूँ, ठीक है? मैं भी आ रही हूँ ना साथ में। कहाँ जाओगी, मैं अभी लेके आता हूँ। मैं भी चल रही हूँ साथ में, वापसी पे फरीदा आपा से भी मिलती आऊंगी ना खड़े खड़े। अच्छा चलो जल्दी आ जाइएगा। पापी, अम्मी अबू कब आएंगे? इतनी देर हो गई है। गोलियां नहीं मिली होंगी, शायद दूसरे स्टोर पे चले गए होंगे। गाड़ी वाला कब से बाहर खड़ा हुआ है, आधा घंटा हो गया है, ये लोग कॉल ही नहीं उठा रहे। पापी अब हम नहीं जाएंगे ना? नहीं नहीं, 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे हम स्टेशन, ये लोग फोन तो उठाएं। नहीं कहां रह गए, फोन भी नहीं उठा रहे। हेलो जी जी, हाँ मैं उनकी बड़ी बेटी बात कर रही हूँ, बोलिए आप कौन बात कर रहे हैं? जी जी मैं ही घर में सबसे बड़ी बेटी हूँ। जी हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, आप मुझे बताएं क्या बात है? क्या आपी आपी क्या हुआ है मुझे बताएं? नहीं आपी क्या हुआ है मुझे बताएं? रो क्यों रही हैं आप? आप ही बोले ना। सारा, अम्मी अब्बू का एक्सीडेंट हो गया। आप ही क्या? ऐसे नहीं हो सकता। कॉल करें ना पप्पू को, कॉल करें, आप पता करें, ऐसे कैसे हो सकता है? जल्दी करें ना। फोन नहीं उठा रही है। हाँ
Ha ha ha!